खुदा जाने ये सब कब खत्म होगा, मेरा तो दिल घबराने लगा है। दो घंटे से तिलावत जारी है, समाने भर के उपवास तशरीफ लाए हैं, मस्जिद में खूब रौनक है। जब फातिहा पढ़ी जा रही थी तो कुछ से गश खाकर गिर पड़ी। आज सबसे ज्यादा अकेली तो वो ही है। पाप को चाहती भी तो वही एक थी। शुक्र है हम घड़ी भर को खाली तो हुए। मैंने कहा कुछ खा लूं। जो कोई बिरजीज बेगम देख लें तो? आज चूंकि वो खुद रोजे से है इसलिए उसके ख्याल में हम सबको फाखा करना चाहिए। जालिम बुढ़िया, मगर मैं उसके भी कान काट लूं। मैंने कबाबों की डोलची खोल ली। मेरी बच्ची के वास्ते मुझे कुछ ना दोगी हसन बांदी? जा जा, तू भी ले ले, कुछ चने भी निकाल लेना, आज उसे पता नहीं चल पाएगा। मुझे बाहर आने दे। नानी आवाज दे रही है, ताला बंद नहीं है क्या? बंद है, दो दो ताले लगे हैं। जंजीर भी लगा देना, उसकी उंगलियां कुफुल शिकन हैं। आ रही है, आ रही है। सब चीजें अच्छी तरह से चमकाना, अगर बिरजीत को हर चीज चमाचम न मिली तो मेरे रहे से बाल भी नोच कर रख देगी। वारी औरत, हर एक पर हावी है। तुम्हारे सीने पर चढ़कर बैठ जाए और साल भर बैठी रहे और तुम्हें दम तोड़ते देखा करे और अपने संग दिल चेहरे की कमीनी मुस्कुराहट में हर्फ ना आने दे। मांझ मांझ रिकाबिया मांझ, हर चीज को चमकाते चमकाते मेरी हथेली पे खून छलक आया है। वो हर एक से ज्यादा पाक साफ है, हर एक से ज्यादा महजब, हर एक से ऊंची। शुक्र है बेचारे खाविंद को अल्लाह अल्लाह करके उसे निजात तो मिली। क्या सबके सब रिश्तेदार आए थे? अरे सिर्फ उसकी तरफ के, उसके शौहर की तरफ वाले तो उससे नफरत करते हैं। वो तो सिर्फ जनाजे में शरीक हुए, तू आ पढ़कर चल दिए। कुर्सियां कम तो नहीं पड़ जाएंगी? अरे बहुत काफी हैं, बाकी लोग फर्श पर बैठ लेंगे। जब से बिरजीत की सास गुजरी है कोई इस दहलीज को लांगने नहीं आता। वो खुद ही नहीं चाहती कि कोई उसकी द्योड़ी में कदम रखे, लानत है उस पर।
तुम पर तो वो मेहरबान रही है। 30 साल से उसकी चादरें धो रही हूँ, 30 साल से उसका झूठा बटोर रही हूँ। उसे खांसी का दौरा पड़ा है तो रात रात भर जागी हूँ, दिन दिन भर दरवाजों से कान लगाए खड़ी रही हूँ ताकि पड़ोसियों की कारगुजारियों की खबरें पहुंचाती रहूं। खुद मेरी जिंदगी का कोई राज मेरा अपना नहीं, मेरे राज वो जानती है और उसके मैं, और उसके बावजूद लानत भेजती हूँ उस पर खुदा की मार। ऐसन बांदी, अगर मैं हूं चौकस, जब हुक्म मिलता है तो गुर्राती हूँ, जिस भिकारी पे छोड़ दी जाती हूँ उसका टख ना दबोच लेती हूँ। मेरे दोनों बेटे उसके खेतों पर काम करते हैं, अब तो दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन एक न एक दिन मैं जरूर कुछ कर बैठूंगी। उस दिन तुम क्या करोगी? दरवाजा बंद करके उसके मुंह पर थूकना शुरू करूंगी और थूकती चली जाऊंगी साल भर तक। फिर जी इस कदर ये इस बात का बदला थू, और ये ले उस बात का बदला थू, और उस बात का बदला ये ले थू थू थू, और बस नहीं करूंगी जब तक वो अधमरी नहीं हो जाएगी जैसे चिपकली हो जाती है मोहल्ले के लड़कों के हाथों। और चिपकली तो है वो चिपकली, उसका खानदान चिपकली। मुझे क्या हसद है उसकी जिंदगी से? अरे हसद के लायक उसके यहाँ है ही क्या? 5 बेटियां हैं जी, 5 बदसूरत बेटियां। फहमीदा अलग, सबसे बड़ी वाली जो पहले शोहर से है। खैर कम अज कम उसके यहाँ तो दौलत है, दूसरों के पास क्या है? जो कुछ है पहन ले ओढ़ ले, विरसे में दाल रोटी से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। काश हमारे नसीब में वही आ जाता। हमारे तो ये हाथ और दफन के लिए 2 गज जमीन, वही 2 गज हम बेकसों के लिए छोड़ी जाएगी, इससे ज्यादा गरीबों को कोई कुछ नहीं देता। इधर कुछ धब्बे हैं, वो ना धोने से जाते हैं और ना रगड़ने से। तिलावत हो रही है। चुप रहो, मैं अच्छी तरह से सुनना चाहती हूँ। मैं काजी की आवाज पर फिदा हूँ। 3 निजामी के उर्स में मैंने उनकी आवाज सुनी थी। आह क्या आवाज थी, टीप की तरफ बढ़ी और बढ़ती चली गई जैसे छागल में भरते पानी का स्वरूप उठता है। खैर ऊपर पहुँच कर उनकी आवाज फट जरूर गई थी, मगर थी अजीम शान आवाज। हाय हाय, मौलवी कादिर हुसैन का कोई सानी नहीं। मेरी अम्मी मरहूम के यहाँ जब महफिल मिलाद हुई थी, अल्लाह उनकी रूह को जन्नत नसीब करे, तो वो आए थे। उस बुलंद आहंग आवाज से दीवारें थर्रा उठी, और जब उन्होंने फरमाया आमीन, तो यूं महसूस हुआ जैसे शेर धाड़ रहा है आमीन। संभल के कहीं गला ना दुख जाए। आहा, क्या बात थी। अल्लाह ताला मरने वाले के गुनाहों को माफ करे। और वो बहुत अरसे तक हमारा इंतजार करे। बल्कि हमेशा करता रहे। मैं टुकड़े जमा करने आई थी। लौट जाओ उल्टे पाँव, आज के टुकड़ों पे मेरा हक है। अरे तुम्हारा तो कोई पूछने वाला भी है, मेरा इस बच्ची के सिवा कोई नहीं। कुत्तों का भी कोई नहीं होता और वो भी बसर कर लेते हैं। मगर यहाँ से मुझे मिलता रहा है। तू चलती फिरती नजर आ, तू यहाँ क्यों कर, जाओ भाग जा। फर्श पे पाँव के निशान डाल दिए। Oof.
चमचम करता फर्श, चमचम करती अलमारियां, चौकियां, शीशम के पलंग। ओहो, मगर हम बांदियों की किस्मत में सिर्फ मुसीबत झेलना है। चुपचाप मट्टी की एक रकाबी और कटोरा लेकर झोंपड़े में पड़े रहो और उफ ना करो। हाँ गौस मोहम्मद गजलबाश, अब तो तुम दफन हो चुके हो। अब बताओ कौन सी ऊंच नीच रह गई है तुम में और मुझ में। अब तो बस तुम कब्र में पड़े रहो और जो तुम पर गुजरे चुपचाप बर्दाश्त करते रहो। अब देखती हूं कैसे अकेले में तुम मुझ पे झपट्टा मारते हो। जानवरों की तरह होते हैं ये लोग, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए होते हैं। गरीबों के दिल में भी दर्द होता है। हाँ, मगर वो मुट्ठी भर दाने देखकर अपना दर्द भूल जाते हैं। दाने जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बुजुर्गों से जबान लड़ाती हो, जरा इसकी उम्र तो देखो। चुप हो जाओ बेटी, मुझे सबक सिखाने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। कुत्सिया रोना बंद करो, रोना है तो जाकर बिस्तर में मुंह ढांप लो। खेतों पे क्या काम शुरू हो गया है? हाँ कल से। धूप में तो पिघला सीसा बरस रहा है। शक्कर की गर्मी बरसों बाद देखी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिनों बाद। नजर का शरबत तैयार है? हाँ बिरजीत, उसे मर्दों में भी तकसीम कर दो। उन्हें पिलवाया जा चुका है सहन में। उनसे कहो कि जिस रास्ते से आए हैं उसी से वापस जाएं। मैं नहीं चाहती कि वो घर के अंदर से होकर गुजरे। अथर मजलिस में मर्दों के साथ था क्या? हाँ था तो। उसकी माँ आई थी, फहमीदा ने उसकी माँ को देखा था। अथर को ना मैंने ना इसने देखा। मैं तो समझी कि वो जावेद था जिसकी तुम बात कर रही हो, वही जिसकी बीवी मर गई है। आजकल तुम्हारी खाला के साथ बहुत दोस्ती है उसकी। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मजलिस के वक्त औरतों का गैर मर्दों को आंख उठाकर देखना जायज नहीं। सिर्फ मौलवी साहब पर नजर जा सकती है क्योंकि वो जुब्बा पहने रहते हैं। तो बकवाही पारसा कमबख्त बूढ़ी नागर खुद ही मर के आगोश में तरस रही है। जो कोई इधर उधर ताके समझो उसकी नियत कुछ और है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ कादिर मुतलक, हमें रास्ता दिखा और हम पर रहम कर। आमीन। या रब्बुल इज्जत, हमें बदी से बचा और नेकी की तौफीक अता फरमा। आमीन। या परवरदिगार, हमारे गुनाहों को बख्श दे। आमीन।
या रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर रहम कर। आमीन। या रब्बुल इज्जत हम तेरी मेहरबानियों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। आमीन। अपने बंदे गौस मोहम्मद कजलबाश को जन्नत में जगह दे और रोज़े कयामत उसकी बख्शिश कर। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। अच्छा खुदा हाफिज, अल्लाह तुम्हें सेहत दे ताकि तुम मरहूम की मगफरत के लिए दुआ कर सको। हाँ खुदा हाफिज। तुम्हारी बेटियां खैर से अपने अपने घरों को जाएं। अल्लाह तुम्हें बरकत दे। अल्लाह तुम्हें सबर दे। खुदा तुम्हारी फसलों को शादाब रखे। सबर करो। गाँव वालों की तरफ से आई है पीर निजामी के मजार पर चादर चढ़ाने के वास्ते। सबका शुक्रिया अदा करो। रोना बंद करो। जाओ अपने अपने घरों को वापस जाओ और बातें बनाओ तरह तरह की। खुदा करे कि अब अरसा दराज तक तुम्हारे कदम मेरी दहलीज पर ना आए। सारे गांव वाले तो आए थे, खफा क्यों होती हो? तुम्हें शिकायत किस बात की है? आए थे और अपने पसीने की बदबू और अपनी जबानों के जहर से मेरे घर को मुकद्दर करके चले गए। अम्मी यूं तो ना कहो। यूं ना कहूं तो क्या कहूं? इस बदबख्त कस्बे के बारे में और कहा क्या जा सकता है जिसमें एक दरिया तक नहीं, जिसके कुओं से पानी पीते वक्त डर लगता है कि कहीं जहर ना मिला हो। या अल्लाह फर्श की क्या गत बना दी है। लगता है जानवरों का रेवड़ गुजर गया है फर्श पर से। अदीला मुझे पंखा दो। ये लीजिए। बेवा औरतों को इस किस्म का पंखा दिया जाता है? मुझे सादा पंखा ला कर दो और अपने बाप की रूह की इज्जत करना सीखो। ये लीजिए, मेरा ले लीजिए। और तुम? मुझे गर्मी नहीं लग रही है। खैर एक पंखा मंगा लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी उसकी। सोख के आने वाले 8 साल इस मकान में सड़क से हवा का एक झोंका भी ना आने पाएगा। हम यहां इस तरह रहेंगे जैसे दरवाजों और खिड़कियों को ईंटों से चुन दिया हो। मेरे बाप के यहां भी यही हुआ था और उनके बाप के यहां भी। फिलहाल तुम जहेज के लिए कशीदाकारी शुरू कर सकती हो। मेरे संदूक में 20 थान कपड़े के पड़े हुए हैं जिनसे गिलाफ और पलंग पोश बन जाएंगे। कुत्सिया उन पर फूल काट दे। मैं काढ़ू या ना काढ़ू फर्क क्या पड़ता है? हमारे नहीं काढ़ना तो मत काढ़ो। सब यही कहेंगे ना कि तुम्हारे ज्यादा अच्छे लगते। ना मैं अपने काढ़ूंगी ना तुम्हारे, किसी के भी नहीं काढ़ूंगी। मुझे पता है मुझे सारी जिंदगी इसी कैद खाने में गुजारनी है। उफ, मैं खेतों में बोझ ढोलूंगी मगर इस बंद कमरे की घुटन में जिंदगी नहीं गुजारी जाती। औरत है इसी के लिए। लानत है और इस जात पर। इस 4 दीवारी में तुम वही करोगी जो मेरा हुक्म होगा। अब तुम्हारा बाप नहीं बैठा है कि दौड़ी जाओ उसके पास शिकायत करने। औरतों के वास्ते सुई और धागा और मर्दों के वास्ते हल और बैल, यही दस्तूर होता है खानदानी लोगों के हाथ का। खोल दो अबू ने। बहुत मुश्किल से पकड़ कर रखना पड़ा इन्हें। 80 वर्ष की हो गई है लेकिन जिस्म है कि शीशम का दरख्त। ये मेरे खानदान की सिफत है।
मेरे दादा भी ऐसे ही मजबूत थे। मजलिस के दौरान कई बार मुझे उनके मुंह पर बोरी पहनानी पड़ी, वरना वो आपको पुकार कर कह रही थी कि मुझे पीने को धोवन और खाने को कुत्ते का रातिब भिजवा दो। कहती है यही आप उन्हें खिलाती हैं। बड़ी नाशुक्री हैं। उन्हें सेहन में ले जाओ, जरा हवा खाने दो। वो अपनी सोने की अंगूठियां और झुमके निकाल लाई संदूक से और मुझसे कहने लगी कि उनका ब्याह हो रहा है। उनके साथ रहना और ख्याल रखना कि कुएं के पास न जाने पाए। घबराइए नहीं, वो कूदने वाली नहीं है। मुझे इसका डर नहीं है। मैं नहीं चाहती कि पड़ोसी खिड़कियों से झांके और ये सब कुछ देखे। हम जरा कपड़े बदल आते हैं। मगर सरों से दुपट्टे मत उतारना। फहमीदा कहाँ? वो पिछले दरवाजे से बाहर झांक रही थी और मर्द उसी वक्त बाहर निकले थे। और तुम क्या करने गई थी दरवाजे पर? मैं देखने गई थी कि मुर्गियों ने अंडे दिए या नहीं। मगर मर्द तो उस वक्त तक जा चुके थे। हाँ, मगर कुछ बाहर खड़े रह गए थे। फहमीदा, आपने बुलाया? तुम झांक झांक कर किसे देख रही थी और क्यों? किसी को नहीं। आला खानदान की लड़कियों को यह जेर देता है कि अपने बाप के नतीजे के दिन वो गैर मर्दों को सूंघती फिरे। जवाब दो, किसकी तलाश थी तुम्हें? मुझे? हाँ, तुम्हें। किसी की नहीं। बड़ी मासूम बेटी, हट जाओ मेरे सामने से। ठीक है ठीक है, उसने जो किया बुरा किया, मगर नादानी में किया। मुझे तो उसका इस तरह चोरी छुपे सहन की तरफ जाना ही नागवार गुजरा था। फिर देखती क्या हूँ कि खिड़की से कान लगाए खड़ी मर्दों की गुफ्तगू सुन रही है, जो जाहिर है शरीफ औरतों के सुनने के लायक तो होती नहीं। इन्हीं बातों के लिए तो लोग आते हैं मजलिसों में। क्या बातें हो रही थी? अरे, उसी शरबतिया का किस्सा था। कल रात लोगों ने उसके मर्द को खंबे से बांधा, उसे घोड़े पर डाला और आमों के बाग की तरफ चल दिए। और उसने क्या किया? उसने क्या किया, वो तो खुश दिख रही थी। तौबा तौबा। फिर क्या हुआ? वो ही जो होना था। सुबह सवेरे वो लोग लौटे, शरबतिया की जुल्फें ढीली थी और कलाइयों में कजरे थे। तमाम कस्बे में वही तो एक फाहिशा है। वो इसलिए कि वो यहाँ की रहने वाली नहीं है, कहीं बाहर से आई है, और जो लोग उसे ले गए थे वो भी बाहर वालों की औलाद है। हमारे यहाँ के लोग ऐसे कामों में नहीं पड़ते। लेकिन ऐसे कामों को छुप छुप कर देखना जरूर चाहते और याद कर करके चटखारे लेने को तैयार। इसके अलावा वो लोग और भी बहुत सारी बातें कर रहे थे। कौन सी बातें? मुझे कहते शर्म आती है। और मेरी बेटी ने वो बातें सुनी? जाहिर है सुनी। बिल्कुल अपनी फूफियों पर गई है, जहां किसी अरे गारे ने जरा खुशामद की नहीं कि ये उस पर फिदा हो गए। खुदाया, क्या कुछ झेलना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि ये लोग शराफत की हद में रहे, आंखें से बाहर ना हो जाए। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी लड़कियां अब जवान हो चुकी हैं और अब इन्हें शोहरों की जरूरत है। इस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हें कुछ भी परेशान नहीं करती। फहमीदा का सिन तो अब 30 से काफी ऊपर हो चुका होगा। ठीक 41 की है। लो भला बतलाओ, और आज तक उसकी जिंदगी में कोई मर्द नहीं आया? उनमें से किसी की भी जिंदगी में कोई मर्द नहीं आया और ना ही इसकी जरूरत है। वो ऐसे ही अच्छी है। मैं किसी बुरे मतलब से थोड़ी कह रही थी। यहाँ 100-100 मील के दायरे में कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरी बेटियों के पास भी फटक सके। इस कस्बे के मर्द हमारे तबके के नहीं है। तुम कहना क्या चाहती? मैं अपनी बेटियों को किसी भी अरे गैरे के हवाले कर दूं? तो तुम्हें किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए था। बहुत खूब, अपनी बेटियों को बेचने? नहीं बिरजीस, हवा बदलने। अलबत्ता कहीं और जाती तो ये ठाट ना रहते। जबान दराजी बंद करो।
तुमसे तो बात करना मुश्किल है। आखिर हम रास्तार हैं एक दूसरे के, क्यों है कि नहीं? नहीं नहीं है। तुम मेरी मुलाजमा को मुझसे तनख्वाह पाती हो और बस। लेकिन दानियाल मियां तशरीफ लाए हैं, जायदाद की तकसीम के बारे में मशवरा चाहते हैं। चलो चले। फिर हमें सफेदी शुरू करा दो। और तुम मरहूम के पुराने कपड़े संदूक में बंद करना शुरू कर दो। कुछ कपड़े खैरात ना कर दें? हरगिज नहीं, एक बटन तक नहीं, वो चादर तक नहीं जिससे उनका मुंह ढका गया। तुमने दवा खाई थी? दवा भला क्या कर लेगी, लेकिन खाई तो है ना। मैं हर काम करती हूँ मगर बगैर अकीदे के, मशीन की तरह। वैसे जब से नए हकीम साहब आए हैं तुम बेहतर दिखाई दे रही हो। अंदर से तो वैसी हूँ जैसे पहले थी। तुमने गौर किया था सुलेखा मजलिस में नहीं आई थी? हाँ सुना है उसके मियाँ ने उसको घूमने फिरने से मना कर रखा है। पहले तो इतना हंसती बोलती थी, अब तो आंखों में सुरमा तक नहीं लगाती। अजीब मसला है लड़कियों के लिए, कोई मर्द हो तो मुसीबत, ना हो तो मुसीबत। अरे फर्क क्या पड़ता है, मुसीबत की असल जड़ तो जुबानें हैं लोगों की जो कैंचियों की तरह चला करती हैं, किसी को सुकून से नहीं बैठने देती। लगता है जुलेखा पर भी बुरी गुजरी है। हाँ वो अम्मी से खौफ खाती है। एक अम्मी तो है जिसे उसके बाप का किस्सा मालूम है कि उन्होंने जायदाद कहाँ से हासिल की। जब भी वो हमारे पास आती है अम्मी जख्मों पर नमक छिड़क देती है। तुम्हें पता है जुलेखा के बाप ने अपनी पहली बीवी के शौहर को ईरान में कत्ल कर दिया। हाँ ताकि वो उससे शादी कर सके। उसके बाद उस बीवी को वहीं छोड़ा और किसी और को रख लिया जिसके पहले से एक बेटी मौजूद थी। उसके बाद उसको भी छोड़ा और उसकी लड़की को फांसा। और जब उसकी दूसरी बीवी यानी उस लड़की की माँ पागल होकर ख़त्म हो गई तो उस लड़की से शादी कर ली। वही लड़की जुलेखा की माँ बनी। ऐसे आदमी को जेल में क्यों नहीं डाल देते? इसलिए कि मर्द एक दूसरे की पर्दादारी करते हैं और कोई उनका पर्दाफाश नहीं करना चाहता। अगर इसमें सुलेखा का क्या कसूर? कोई कसूर नहीं, लेकिन जमाना अपने आप को दोहराया करता है। और मैं देख रही हूँ कि हर चीज एक खौफनाक तरीके से अपने आप को दोहरा रही है। सुलेखा का भी वही हशर होना है जो उसकी माँ का हुआ था और जो उसकी माँ की माँ का हुआ था। दोनों उसी आदमी की बीवी हैं जो उसका बाप था। या खुदा। मर्दों से आंखें ना मिलाना ही अच्छा है जमीला। मैं बचपन से मर्दों से डरा करती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी कि ये लोग खेतों में बैलों को जोत रहे हैं, बोरियां लाद रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, और मैं खौफ से कांप जाती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो इनमें से कोई मुझे ना बाहों में दबोच ले। चलो अच्छा हुआ अल्लाह ने मुझे मरियल और बदसूरत बना दिया, ऐसा कोई अंदेशा ही ना रहा। ये तो ना कहो, फजल तुम्हारे पीछे लगा तो था, मरता था तुम पर। ये सब लोगों की खाम ख्याली थी। एक बार मैंने खिड़की पर पाँव फटने तक इंतजार किया उसका, क्योंकि उसने पानी वाली की छोकरी से केला भेजा था कि आऊंगा, मगर आया नहीं। फिर उसने किसी और लड़की से शादी कर ली क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अमीर थी। मगर शक्ल कैसी है उस लड़की की? चमगादड़ों की तरह। शक्ल सूरत की मर्दों को क्या परवाह,
उनके पास जमीन हो, हलबैल हो और एक पालतू कुतिया हो जो रोटियां भी पका दिया करे, बस काफी है। हाँ ये तो है। कहो भाई क्या हो रहा है? बैठे हैं। तुम सुनाओ। बस सारे कमरों के चक्कर लगाए ताकि जरा चहलकदमी हो जाए, फिर बैठ के नानी की कशीदाकारी देखती रही। क्या क्या बना रखा है, चांद सूरज फूल। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कितना खुश होते थे इन चीजों को देखकर। कितने अच्छे दिन थे वो, शादी की धूमधाम 10-10 दिन तक रहती थी। आजकल तो लोग फैशन ज्यादा करते हैं, दुल्हनें साड़ियां पहनने लगी हैं शहर की देखा देखी, शरबत की जगह बोतल पर पानी चलने लगा है। मगर खैर हम तो वहीं के वहीं हैं, हमारे हमेशा यही धड़का लगा रहता है कि लोग क्या कहेंगे। क्या पता पहले भी क्या होता रहा होगा। तुम्हारी ज्योति का तस्मा खुल गया है। तो क्या करूं, चलोगी तो उलझ कर गिर पड़ो। छाए एक तो कम होगी। अदीला कहाँ है? अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं, आज उसने अपना वो गुलाबी जोड़ा पहना था, वही जो सालगिरह के लिए बनवाया था, और फिर आहते में निकली और जोर जोर से बोली, चूजो चूजो कहाँ हो, इधर आओ मुझे देखो। नहीं पागल है, मेरी तो हंसी छूट गई। अगर अम्मी चांद देख लेती तो क्या होता। अरे बेचारी नन्नी, हम सब में छोटी है ना, अभी ख्वाब देखने बंद नहीं किया उसने। या अल्लाह उसके सारे दुख मुझे दे दे मगर उसे खुश रख। क्या वक्त हुआ होगा? 12 बजने वाले हैं। अरे इतना दिन चढ़ाया है, बस बजाए जाते हैं। एक बात जानती हो? नहीं क्या? बनो मत। क्या कह रही हो तुम? मुझसे ज्यादा तो तुम दोनों जानती हो, हर वक्त सर से सर जोड़े खुसर फुसर करती रहती हो। मेरा मतलब अथर यूसुफ से है। ओह हाय हाय, जमाने भर में उसके चर्चे और आपको जैसे मालूम ही नहीं। अथर यूसुफ फहमीदा से निकाह पढ़वाने वाला है। क्या? कल रात भी मैंने उसको घर के चक्कर काटते देखा था। कौन अथर यूसुफ? ये बाजू वाले हकीम साहब का लड़का? तो और कौन, उसका तो पैगाम भी आ गया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, वो तो बड़ा अच्छा आदमी है। हाँ मुझे भी बड़ी खुशी है, फहमीदा ठिकाने लग जाएगी। बकवास मत करो, ना तुम खुश हो ना तुम। तुम कहना क्या चाहती हो खुदसिया? अगर वो फहमीदा की सूरत पे फिदा हुआ था तो मैं भी खुश होती, मगर वो तो उसकी दौलत का मुरीद है। फहमीदा हमारी बहन है, हम ही उसके सब कुछ है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि सच से मुंह फेर ले। फहमीदा हम सब बहनों में सबसे ज्यादा बदसूरत है, कितना ही ओढ़ ले पहन ले लगती वही बांस की डंडी की तरह से। तो हो सकता है किस्मत वही दरवाजे खटखटाती हो जहाँ उसके आने का वहम कुमा ही ना हो। लेकिन फिर भी कुछ सच तो कहती है, फहमीदा को अपने बाप की तमाम दौलत विरासत में मिली है, इस घर में सिर्फ वही एक अमीर लड़की है, और यही वजह है कि अब जब अब्बा जान नहीं है और जायदाद तकसीम होने वाली है तो लोग उसको पूछने लगे। अथर यूसुफ 25 बरस का है, गाँव का सबसे हसीन मर्द है। फितरी बात तो ये होती जमीला कि वो तुम्हारा या हमारी अदीला का हाथ मांगता। अदीला 20 साल की है और वैसे भी उसको जब मौका मिलता है मुंडेर पे चढ़कर तुम ही दोनों को तकने की कोशिश करता है। आज क्यों उसने ढूंढ ढूंढ कर सारे कुनबे में उस औरत को तलाश किया है जो सबसे गई गुजरी है और अपने बाप की तरह नकचड़ी भी। तो हो सकता है उसकी यही पसंद हो। मुझसे तुम्हारी ये बनावट नहीं बर्दाश्त होती है। या खुदा। अदीला ये क्या कर रही हो? अदीला रुक जाओ, मैं कह रही हूँ रुक जाओ, खुदा के लिए बाज आ जाओ। अदीला अम्मी जान देख लेंगी, पागल हो गई हो? अदीला कहो भाई, चूजों से क्या बातें रही? मैंने कहा मेरी जान चूजों मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास सारी दीवारें तोड़कर। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मेरी पिंडियों को खसोट डाला। बड़ा मजा आया, किसी ने तो मुझे देखा। अगर अम्मी जान देख लेती तो चोटी पकड़ कर घसीटती। कितना प्यारा जोड़ा है और मुझ पर खिलता भी है ना। कुत्सिया ने आज तक जितने भी कपड़े सिए हैं उनमें सबसे अच्छा यही है। मैंने क्या क्या ख्वाब देख रखे थे इस जोड़े के बारे में। मैंने सोच रखा था कि जिस रोज हम सावन के गीत गाने बाहों में जाएंगे उस रोज उसे पहनूंगी,
उस रोज मेरी पोशाक हजारों में एक होती। ऐसा करो अदीला, इस जोड़े को काला रंगवा लो। बल्कि बेहतर ये होगा कि फहमीदा को दे दो अथर यूसुफ से शादी के मौके पर। क्या? लेकिन अथर तो क्यों, तुमने सुना नहीं अभी तक? नहीं, कोई बात नहीं, अब तो सुन लिया। मगर ये तो नामुमकिन है, पैसे के आगे सब कुछ मुमकिन है। इसी वजह से वो उस दिन मजलिस के बाद कमरे से बाहर निकल गई थी और दरवाजे से लगी खड़ी थी। और वो शख्स कुछ भी कर सकता है। किन ख्यालों या अल्लाह, मैं सोच रही हूँ मेरी जिंदगी में सब कुछ कितने गलत वक्त पर हो रहा है। मेरा मतलब है ये शोक वोक का चक्कर मेरे लिए से निभाना बड़ा मुश्किल होगा। आदी हो जाओगी वक्त के साथ साथ। मैं नहीं होंगी आदी, मैं इन दीवारों में कैद होकर नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग ही तरह मेरी खाल भी बंजर मिट्टी की तरह होकर रह जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे जिस्म की शादाबी नहीं बंद कमरों में मुरझा कर रह जाए। कल मैं अपना सुर्ख जोड़ा पहनूंगी और बाहर घूमने निकल जाऊंगी। मैं चार दीवारी से बाहर निकलना चाहती हूँ। सुना तुम लोगों ने, मैं चार दीवारी से बाहर निकलना चाहती हूँ। सुना तुम लोगों ने। बेचारी, बाप के गम में क्या हाल बना रखा है अपना। बांदी ने सुन लिया होता, आओ यहाँ के बैठ जाओ, शाबाश। जो एक पर गुजरी वो हम सब पर गुजरेगी। अथर मियाँ सड़क के सिरे पर आते दिखाई दे रहे हैं, चलो चल के देखते हैं। तुम नहीं जाओगी? मुझे कोई गर्ज नहीं। वो नुक्कड़ से मुड़ जाएगा, उसे अपने कमरे की खिड़की से जाके देख लो, अच्छी तरह देख पाओगी। जहन्नुम में जाए ये जायदाद और इसके झगड़े। फहमीदा के हिस्से में बहुत काफी जायदाद आई है। हाँ। और दूसरों के हिस्से में किस कदर कम। ये बात तू मुझे तीसरी मर्तबा बता रही है, जबकि तू जानती है कि मुझे इसका जिक्र पसंद नहीं है। बहुत कम आया है दूसरों के हिस्से में, बहुत ही कम। अब मुझे दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं। फहमीदा, जी अम्मी जान। तुमने आंखों में सुरमा डाला, होंठों पर सुर्खी लगाई, अपने बाप के तीजे के दिन तुमने सिंघार किया। वो मेरा बाप नहीं था, मेरा बाप मुद्दत हुई गुजर चुका। भूल गए आप? तुम्हें अपने बाप से ज्यादा उस शख्स का शुक्रगुजार होना चाहिए, वो जो तुम्हारी बहनों का बाप था। आज उसी की बदौलत तुम्हारा वैसा महफूज है। इसकी तो जांच पड़ताल की जाएगी। शर्मो हया बेच खाई है, तमीज से बात करो। अम्मी जान, मुझे बाहर जाने की इजाजत दें। बाहर जाने की इजाजत जरूर जरूर दूंगी। पहले तेरे दीदा का सुरमा तो पहुंच लूं, कमबख्त बेगैरत तू। चलिए सिंघार करूंगी। बस बिरजीत, इतनी सख्ती किस काम की? मेरी माँ पागल होगी, लेकिन मैं अभी होशो हवास में हूँ और मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ हो नहीं रहा। भाई अगर तुम जायदाद के मामले में झगड़ा कर रही हो ना, तो ये तुम्हारी बहुत ज्यादती है। सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हें मिला है। तुम लोग अपनी जबानी अपने पास रखो। इस मुगालते में मत रहना कि मैं झुकाने से झुक जाऊंगी। जब तक मेरी लाश इस डेवड़ी से बाहर नहीं निकलती, अपने और तुम्हारे मुतालिक जितने भी फैसले होंगे मेरे होंगे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। जा, जा। बिरजीत, मेरा दुपट्टा कहीं गायब हो गया।
मेरी एक चीज भी तुम में से किसी को नहीं मिलने की, ना मेरी अंगूठियां और ना मेरे पश्मीने का दोशाला, इसलिए कि तुम में से किसी की भी शादी नहीं होने वाली, एक की भी नहीं। बिरजीत, मेरी मोतियों की लड़ी वापस कर दे। इनको यहाँ क्यों दाखिल होने दिया? मुझसे छुड़ाकर भाग निकली। मैं भाग निकली इसलिए कि मैं शादी करना चाहती, मैं दूर पहाड़ों के किसी जवान मर्द की दुल्हन बनना चाहती हूँ, इसलिए कि यहाँ के मर्द औरतों से कतराते हैं। खामोश हो जाओ अम्मा। नहीं नहीं, मैं खामोश नहीं होती। मुझे इन अकेली औरतों का शादी के लिए तरसना, इंतजार में खाक हो जाना गवारा नहीं। मैं अपने वतन वापस लौट जाना चाहती हूँ बिरजीत। मुझे एक मर्द की ख्वाहिश है जिसके संग मैं घर बसाऊं और खुश रहूं। बंद कर दो इन्हें। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। अरे मुझे बाहर जाने दे। तुम सभी इसकी मदद करो। अरे मुझे बाहर जाने दो, मैं शादी करना चाहती हूँ। मुझे बाहर जाने दे, मैं दूर पहाड़ों में, दूर के मैदानों में जाना चाहती हूँ। लो, मैंने तीसरी चादर भी तैयार कर दी है। ये जमीला के हिस्से की है। फहमीदा, अथर यूसुफ का नाम काट दूं या? जी नहीं। अदीला, आ रही हो तुम? बिस्तर पर पड़ी होगी। खुदा जाने उसे क्या हो गया है, जब देखो बेचैन रहती है। उसे कुछ हुआ नहीं है, और जो हुआ है कमोबेश हम सबको हुआ है। हाँ, सबको सिवाय फहमीदा के। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, और जिसको जलन होती है ना, फोड़ ले अपनी आँखें। भाई हम तो मानते हैं, दो बातें तुम्हारी लाजवाब हैं, एक तो तुम्हारा जिस्म और दूसरी तुम्हारी जुबान। खुदा का शुक्र है कि मैं जल्दी इस जहन्नुम से निकल जाऊंगी। अब देखते हैं कि निकल पाती भी हो कि नहीं। अच्छा, अब खत्म करो ये किस्सा। मैं तो कहती हूँ लड़की के लिए जहेज बड़ा होना चाहिए। आंखें बड़ी बड़ी और खूबसूरत होने से कोई फायदा नहीं है। कहती रहो, हम इस कान से सुनते रहेंगे और इस कान से उड़ाते रहेंगे। ए हसन वादी, जरा बाहर का दरवाजा तो खोलना, कुछ हवा आए। रात भर हब्स के मारे नींद नहीं आई। मेरी भी यही हालत थी। हाँ, मैं भी उठी थी कि थोड़ी देर खुली हवा में सांस ले लूं। थोड़ी देर को बादल आए और गुजर गए, शायद ही दो एक बूंदे गिरी होंगी। रात का एक बज रहा था, मगर धरती से गोया शोले फूट रहे थे। बाप रे बाप, क्या गर्मी थी। मैं भी उठ पड़ी थी। फहमीदा अपनी खिड़की पर खड़ी थी। वो तो उसका मामूल है, रोज रात को अथर यूसुफ के लौटने का इंतजार करती है, और जब तक वो वापस नहीं आ जाता और बगल वाले घर के दरवाजे बंद होने की आवाज नहीं आती, बिस्तर पे नहीं लेटती है। बेचारी दूर से देखकर गुजारा करती है, खामोश मोहब्बत। खैर, अब इतनी खामोश भी नहीं जितना तुम कह रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? रात को 4 बजे तुम दोनों मुंडेर पर खड़े होकर खुसर पुसर नहीं कर रहे थे? अरे झूठ है ये। मैंने खुद उसकी आवाज सुनी थी। तो वो कोई और रहा होगा। मैं पहचानती हूँ उसकी आवाज, बचपन से सुनती आ रही हूँ। हमारे उसके घर के दरमियान सिर्फ एक दीवार तो है। तो खुद दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते के साथ ही मैं बिस्तर पर जाकर लेट गई थी, और फौरन ही आंख लग गई मेरी। तुम झूठ क्यों बोल रही हो फहमीदा? नहीं, ये सच कह रही है। मैं जाग रही थी जब ये बिस्तर पर आकर लेटी है। उस वक्त तो रात का एक ही बज रहा था। एक बज रहा था, मगर मैंने तो ये आवाजें रात के 4 बजे सुनी थी। अच्छा, ताजुब है। मगर फहमीदा, तुम कसम खाकर कह सकती हो कि उसने मुंडेर पर खड़े होकर कभी तुमसे बात करने की कोशिश नहीं की है? अरे की है एक दो बार, और इसका सबको पता है।
लेकिन ये तो हफ्तों पुरानी बात है। अच्छा तो फिर हो सकता है चरवाहे रहे हो, वो इस वक्त यहाँ से गुजरते हैं। हाँ चरवाहे ही होंगे, वो अक्सर गली में खड़े होकर बातें भी करते हैं। यही बात होगी। अच्छा फहमिता ये बताओ, जब पहली दफा उसने तुमसे बात की तो क्या कहा था? कहता क्या, यही कि तुम जानती हो ना मैं तुम्हारा दीवाना हूँ और मुझे एक नेकबख्त बीवी की जरूरत है और वो तुम हो, तुम कहो तो मैं पैगाम भेजूं। अल्लाह मुझे तो शर्म सी आती है इन बातों को सुनकर। मुझे भी आती है, मगर चारा क्या है। फहमिदा वो कुछ और भी कहता था? हाँ वही बोलता रहा। और तुम? मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकला, मेरा दिल होंठों को आ रहा था। पहला मौका था कि मैं रात के वक्त किसी के साथ तन्हा थी। हाय, और वो भी इतने हसीन मर्द के साथ। हाँ देखने से सुनने में तो बुरा नहीं है। बीवी ये मजे तो वो जानते हैं जिन्हें कुछ जुबान से कुछ हाथों से काम लेने का गोर आता हो। जब मेरा मर्द कल्लन पहली मर्तबा मुझसे छत पर आकर मिला था तो क्या हुआ था? हाय हाय अंधेरी रात थी। पहले तो वो सड़क के पार खड़ा इशारे करता रहा, फिर दरख्त की शाखों को फलांगता हुआ ऊपर आ गया बंदरों की तरह। फिर हम दोनों खामोश खड़े रहे काफी देर तक। मेरा जिस्म पसीने से तर बतर हो रहा था। फिर कल्लन मियां करीब आए और करीब आए और आते ही चले गए और आहिस्ता से बोले, करीब आओ जरा मैं तुम्हें छू कर तो देखूं। मैं समझी अम्मी जान आ रही हैं। आ जाएंगी तो हमारा क्या कर लेंगी? सुन लेंगी। फिर उसके बाद कल्लन मियां बड़ी शराफत से पेश आए, किसी बदफेर में नहीं पड़े। हाँ, कबूतर जरूर पालते रहे। बीबी अभी तुम्हें शादी का तजुर्बा नहीं है, लेकिन ये जान लो कि शादी के दो हफ्ते बाद मर्द को बिस्तर से ज्यादा प्यारा दस्तरखान हो जाता है। जी और फिर दस्तरखान से ज्यादा प्यारा दारूखाना। हाँ और जो औरत एतराज करती है क्या करे, कोने में आंसू बहाती सड़ा करे। तुमने कभी एतराज नहीं किया? अरे छोड़ो छोड़ो, मैंने तो उसे काबू में रखना सीख लिया। ये सही बात है कि तुम उसे कभी कभी पीट भी दिया करती थी। और नहीं तो क्या, बिल्कुल एक दफा तो तकरीबन मैंने उसकी एक आंख निकाल दी थी। औरतों को ऐसे ही करना चाहिए। हाँ इस मामले में मैं बिल्कुल तुम्हारी अम्मी के ख्यालात की हूँ। अरे एक दफा बात बात में जाने उसने मुझसे क्या कहा कि मुझे आ गया गुस्सा, मैंने उसके सारे के सारे कबूतर लेकर खत्म कर दिए मूसल से। नन्नी अदीला कहाँ है तू भाई, तू भी तो ये बातें सुन। अदीला मैं बुला के लाती हूँ। बीमार है वो बच्ची। बीमार नहीं होगी तो क्या होगा, सोती नहीं है। सोती नहीं है तो फिर क्या करती रहती है? मुझे क्या पता क्या करती रहती है। वाह तुम तो हम सबसे बेहतर जानती होगी, तुम्हारा कमरा तो उसके कमरे के साथ साथ है। जलन के मारे फूके जा रहे हैं लोग और कुछ भी नहीं। बेकार की बातें मत करो। अरे मुझे उसकी आंखों से नजर आता है, वहशत छलकती है उसके चेहरे पर। खबरदार औरतों की वहशत का यहाँ जिक्र ना करना, इस घर में इस लफ्ज की मुमानियत है। आओ नानी यहाँ के बैठ जाओ। लो तुम लोग तो कह रही थी सो रही होगी। मेरा बदन टूट रहा है। रात भर सो नहीं पाई क्या? सोई क्यों नहीं? तो फिर मैं सो या जागूं तुम्हें से क्या गरज, मेरा जिस्म है मैं जो चाहूंगी करूंगी। लेकिन हमको तो तुम्हारी फिक्र रहती है अदीला। जरूर, काश मेरे पास कोई जादू की टोपी होती जिसे मैं पहन के गायब हो जाया करती, ना कोई पूछता ना देखता कि मैं कहां जा रही हूं। बिरजीत बेगम बुला रही हैं, बसाती जाली के नमूने लेकर आया है। इस तरह घूर घूर के मत देखा करो,
कहो तो अपनी आंखें दे दूं ताकि जरा जवान दिखने लगो, बल्कि मेरी गालों की रंगत भी ले लो ताकि तुम्हारे चेहरे पे कुछ रंग आ जाए। इस तरह घूर घूर के मत देखा करो मेरी तरफ। तुम्हारी बहन है और सबसे ज्यादा चाहने वाली बहन, मेरे पीछे पड़ी रहती है, हर वक्त मेरे कमरे में झांक झांक कर देखती रहती है कि मैं सो रही हूं या नहीं। जिन्हें दुश्वार कर दिया उसने मेरा, हर वक्त कहती रहती है हाय अफसोस इस चेहरे पर तरस आता है, हाय अफसोस ये जिस्म यूं ही ढल जाएगा। क्यों ढल जाएगा? मेरा जिस्म उसी का होगा जिसको मैं चाहूंगी। अथर मियां का है ना? क्यों, क्या मतलब? मतलब वही है अदीला जो तुमने सुना। बकवास बंद करो। तुम समझती हो मैंने कुछ नहीं देखा? आवाज नीचे रखो। तो फिर ये ख्याल दिल से निकाल दो। तुमने क्या देखा है? बुरी आंखें दीवारों के पार भी देख लेती हैं अदीला बीबी। रात को उठ उठकर कहां जाती हो? फूट जाए तुम्हारी आंखें। आंखें तो मुझे सर से पैर तक निकल आती हैं जब इस किस्म की कोई बात होती है। मैं तो हैरान रह गई कि तुम कर क्या रही हो। उस रोज जब अथर हमारे घर के सामने से गुजरा था तुम अपनी खिड़की पर जाकर बैठ गई, रेशमी कुर्ता पहने और बाल खोले, तुमने खिड़की के पट खोल दिए और रोशनी जला दी। ये झूठ है। बचपना बंद करो, अपनी बहन के रास्ते में मत आओ। अगर अथर तुम्हें पसंद भी है तो ये ख्याल अपने दिल में रखो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती? फहमीदा तो मरीज है, पहली औलाद की पैदाइश पर ही चल बसेगी। अरे उसके सुखड़े बदन को देखो, ढलती उम्र को देखो, तजुर्बे से कह सकती हूँ कि नहीं बचेगी। फिर जानती हो क्या होगा? अथर वही करेगा जो इस इलाके में बीवी के मरने के बाद सब मर्द करते हैं, वो उसकी बहन से निकाह पढ़वा लेगा और उस बहन से जो जवान तरीन और हसीन तरीन होगी और वो तुम। चाहो तो इस उम्मीद पर जी लो, चाहो तो उसे भूल जाओ। कुछ भी करो मगर खुदा के कानून के खिलाफ मत जाओ। चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। नहीं मैं चुप नहीं होंगी, मैं परछाई बनकर तुम्हारे पीछे लगी रहूंगी। तुम अपने काम से काम रखो, अपनी उधर सूंघती फिरती हो कौन क्या कर रहा है ताकि उनके किस्सों को याद करके मजे ले सको। अरे निगहबानी करती हूँ ताकि जब लोग हमारे दरवाजे के सामने से गुजरें तो थूकते हुए ना जाएं। मेरी सिर्फ एक गर्ज है कि शरीफों के घर में रहूं, बुढ़ापे में मुझे लोगों के ताने नहीं सुनने हैं। अपनी नसीहत अपने पास रखो, अब उसका वक्त गुजर चुका। तुम क्या, तुम तो सिर्फ एक बांदी हो। मैं तो अपनी माँ को भी अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी। इतना प्यार करती हो उससे? हाँ इतना प्यार करती हूँ। जब उसकी आंखों में आंखें डालती हूँ तो मुझे यूं लगता है कि मेरा खून उसके खून में घुलता जा रहा है। नहीं मैं नहीं सुन रही, मैं नहीं सुन रही हूँ। तुम्हें सुनना पड़ेगा। क्यों फिर कोई तकरार छिड़ गई? और नहीं तो क्या, कहती इस गर्मी में जाओ दुकान से, जाने क्या क्या मंगवाया है लेकर आओ। तुम मेरे वास्ते इतर ले आई थी? हाँ सबसे महंगा वाला, और सुरमा भी तुम्हारे कमरे में मेज पर रख दिया है। अच्छा और तुम अपना मुंह बंद रखना, देखा जाएगा। तुम जाली के नमूने देखने नहीं गए क्या? नहीं।
ये क्या है? फहमीदा की चादरों के वास्ते आए हैं। कितने खूबसूरत है ना? ये जालियां बच्चों के कुर्तों के वास्ते बहुत अच्छी हैं। अब हमारी फहमीदा अपने बच्चों के कुर्ते इनसे सजाएगी। मैं तो इन कपड़ों में एक टांका तक ना लगाऊं। बच्चों से भरा घर कितना अच्छा लगता है। हर वक्त चैंपियन होती रहती है। सड़क के पार जो लोग रहते हैं उनको देखो, आठ आठ औलादों को पालकर अपने को तबाह कर रहे हैं। बीबी, तुमसे तो बहरहाल में बेहतर हैं वो लोग। कम से कम उनके यहाँ लोग हंसते तो हैं, उनके यहाँ से लड़ने झगड़ने की आवाजें तो आती हैं। खूब, फिर उनके यहाँ जाके खिदमतगारी क्यों नहीं कर लेती हैं आप? नहीं, मेरे नसीब में तो यही जोगनों का डेरा लिखा है। काम पे वापस आ रहे हैं मर्द। 3 बज गए होंगे और इतनी कड़ी धूप है बाहर के बस। काश हम भी खेतों में जा सकते। हर तबका अपना अपना काम करता है। हाँ ये तो है। हाँ ये तो सही है। इस मौसम में जो खुशी खेतों में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। अब इन्हीं लोगों को देख लो, कल सवेरे से आ पहुंचे हैं फसल काटने के लिए। 40-50 हट्टे कट्टे बांके नौजवान। इस साल किस इलाके से आए हैं? दूर, बहुत दूर, पहाड़ों से। अरे इन्हें किसी चीज की परवाह नहीं। कल रात वो एक औरत को भी साथ लेकर आए। वो सारी रात घगरा पहने हाथ में डफली लिए नाचती रही। फिर उन नौजवानों ने उसे तय किया कि उसे आमों के बाग में ले जाएंगे। मैं दूर से खड़ी देख रही थी। जो लड़का उसे बातें कर रहा था उसकी आंखें कंजी थी और जिस्म गठा हुआ जैसे गेहूं की बाली। नहीं वाकई? सच में? हाँ क्या, पिछले साल भी इसी तरह की एक औरत आई थी। मैंने खुद अपने बड़े लड़के को पैसे दिए थे कि हो आए। मर्दों को इस किस्म की जरूरत होती है ना, क्या करें। हाँ उनको सब कुछ ही माफ है। औरत पैदा होने से बढ़कर कोई और सजा नहीं। हमारी तो आंखें भी हमारी अपनी नहीं होती। अब वो फसल काटने जा रहे हैं और उन्हें धूप की भी परवाह नहीं। ये लोग तो आके शोलों से भी गुजर जाते हैं। काश मैं भी उन्हीं की तरह होती, खेतों में आजादी से घूमती फिरती। फिर अपने दिल के रोग को भुलाना कितना आसान होता। तुम क्या भुलाना चाहती हो अदीला? हमें से कौन ऐसा जिसके पास कुछ भुलाने के लिए नहीं? हाँ शायद कोई नहीं। अरे गाना सुनो, गाना सुनो। क्या गाना है। गोरियों के गालों के रंग देख देख कर, काली नैन वालों के अंग देख देख कर, आशिकों के दिल बार बार झूमते हैं। आशिकों के दिल बार बार अब वो नुक्कड़ पर जा पहुंचे होंगे। चलो चल के उनके मेरे कमरे की खिड़की से देखते हैं। चलो। अरे होशियार रहना, खिड़कियों के पट बंद रखा। अगर उन्होंने खोले देख लिए तो झांकना शुरू करेंगे। तुम नहीं गए देखने? नहीं, दिल नहीं चाह रहा है। खैरियत तो है? यूं ही, गर्मी से दिल घबरा रहा है। और कोई बात तो नहीं? नहीं। जमीला, तुम रात को किस वक्त सोई थी? पता नहीं, मैं बेखबर होकर सोती हूँ।
मगर क्यों पूछती हो? मुझे लगता है जैसे मैंने रात को किसी की आवाज सुनी थी। या अल्लाह, बहुत रात गए। तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं, पहले भी सुन चुकी हूँ। हो सकता है चरवाहे हो? चरवाहे तो सुबह 6 बजे आते हैं। कहीं कोई घोड़ा तो नहीं बेकाबू होकर दौड़ रहा था? हाँ, यही हुआ होगा, घोड़ा बेकाबू हो गया होगा। या अल्लाह रहम कर, हमें किसी को पहरे पे बिठाना पड़ेगा। मैं अभी बांदी से कहती हूँ। अरे नहीं सुनो जमीला, किसी से कुछ मत कहना। हो सकता है मुझे ऐसे ही लगा हो। हो सकता है। जमीला कहो। अच्छा कुछ नहीं, कहो। यूं ही मुंह से निकल आया बस। तुम थोड़ी देर जरा लेट रहो। कहाँ गई अथर की तस्वीर? क्या? मैंने तकिए के नीचे रखी थी, तो मैं से किसके पास है? किसी के पास नहीं। मुझे को तुम क्या समझती हो, वो कोई ताबीज है कि कोई रख लेगा? कहाँ है तस्वीर? कैसी तस्वीर? तुम में से किसी ने छुपाई है। अरे तुम्हें ये कहने की जुर्रत कैसे हुई? इसलिए कि मेरे कमरे में थी और अब वहाँ पर नहीं है। ऐसा तो नहीं फहमीदा कि ये तस्वीर आधी रात को कूद कर शहर में चली गई हो? अतर को भी तो चांदी रात में घूमने का शौक है ना। खुद मजाक करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बता दो वरना मैं शिकायत कर दूंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मिल जाएगी तस्वीर। तुम में से किसके पास है बताओ? होगी किसी के पास, मेरे पास नहीं है। जाहिर है तुम्हारे पास तो नहीं है। क्या हंगामा खड़ा हो गया मेरे घर में, पड़ोसी दीवारों से कान लगाए बैठे हैं। इन लोगों ने अथर की तस्वीर चुरा ली है। किसने? इन लोगों ने। इनमें से किसने? जवाब दो। इन सब के कमरों की तलाशी लो अच्छी तरह, इनके बिस्तरों में भी देखो। मैंने तुम लोगों को बांध के नहीं रखा ना, उसी का यह नतीजा है। मगर अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम्हें यकीन है कि तस्वीर किसी ने छुपाई है? जी। तुम सब जगह देख रहे? जी अम्मी जान। खुदाया, आज बुढ़ापे में मुझे ये जहर भी पीना पड़ रहा है। मिली? कहाँ थी? बोलो, डरो मत। मुश्तरी के बिस्तर में, चादर के नीचे। क्या ये सच है? जी सच है। भारत हो जा कमबख्त कहीं की। मत मारी अम्मी मुझे, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ से बदतमीजी मत करो, बस करो बिरजीत, बस करो। बख्श दीजिए अम्मी इसे। तमीजी करती है माँ से? देखो इसे, कमबख्त की आंखों में आंसू तक नहीं। तो आपको क्या ख्याल है मैं रोंगी आपको खुश करने के लिए? तुमने तस्वीर क्यों चुराई? अरे मैं बहनों से मजाक नहीं कर सकती क्या? ये झूठ बोल रही है, इसने कभी किसी से कोई मजाक नहीं किया। ये तो कोई और ही लावा है जो उसके सीने में उबल रहा है। साफ साफ बता क्यों नहीं देती? खबरदार मेरा मुंह मत खुलवा, क्योंकि अगर मैं बोल पड़ी तो दीवारों के साथ शर्म से झुक जाएंगे। इतनी मनहूस जुबान है, झूठ बोलते नहीं थकती। चुप हो जाओ। अदीला, पागल हो गई हो तुम? इल्जाम के तीर बरसा रही हो हम सब पर? अरे इससे ज्यादा दलील का तो कुछ और लोग कर रहे हैं।
एक दिन तुम्हारा राज भी फाश हो जाएगा। फसाद कीना परवर, अगर अथर ने मुझे पसंद किया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उसने तुम्हारी दौलत को पसंद किया है। अम्मी खामोश। तुम्हारे खेतों और जमीनों को पसंद किया है तो इसमें हर्ज क्या है? मैं कहती हूँ खामोश हो जा। मैंने बादलों को मंडलाते देखा था मगर ये नहीं समझा था कि तूफान इतनी जल्दी घिर आएगा। आज तुम लोगों ने अपनी नफरतों का पहाड़ तोड़ा मेरे कलेजे पर, मगर मैं अभी बूढ़ी नहीं हूं। मेरे बाप का छोड़ा हुआ ये मकान है मेरे पास और 5 जंजीरें भी हैं तुम लोगों के वास्ते। याद रखो ये दीवारें भी तुम्हारी चीखें नहीं सुन पाएंगी क्योंकि मैं उनके कानों को भी बहरा करना जानती हूं। निकल जाओ यहां से, जाओ। मुझे याद दिलाना है इन्हें कि आज भी इन हाथों में दम है। मैं एक बात कह सकती हूं? बोलो क्या कहती? नाहक सुन लिया तुमने ये सब कुछ। खानदान के अंदर गैर हमेशा गैर ही होता। मैंने जो देख लिया वो तो देख ही लिया ना। रहमीदा की शादी हो जानी चाहिए फौरन। हाँ ये बात तो तय है, हमें उस लड़की को यहाँ से दूर भेजना होगा। इस लड़की को नहीं, उस लड़के को। हाँ ये भी सही है, भेजना तो उस लड़के को ही है। चलो ठीक है, तुमने तो सब कुछ सोच ही रखा है। मैं सोचती नहीं, पास बातें सोची जा भी नहीं सकती। मैं सिर्फ हुक्म देती हूं। और तुम ये समझती हो कि वो राजी हो जाएगा यहां से जाने पर? अब कौन सा कीड़ा बुलबुला रहा है तुम्हारे दिमाग में? शादी तो जाहिर है वो फहमीदा से ही करेगा। खुलकर बात करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं। देख रही हूं कि तुम वार करने की तैयारी कर रही हो। खतरे से आगाह करने को तुम वार करना कहती हो? किस खतरे से आगाह करना चाहती हूं? मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं रख रही हूं बिरजीस, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अपनी आंखें खोलो फिर सब कुछ खुद ही देख लोगी। क्या देख लूंगी? तुम हमेशा से बहुत होशियार बनती रही हो बिरजीस, दूसरों के गुनाह तुमने 100-100 मील से तार लिए हैं। तुम दिलों का हाल पढ़ना जानती हो, लेकिन अपनी औलाद होती है और इस वक्त तुमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। मुश्तरी की बात कर रही? चलो मुश्तरी की बात ही सही। तुम्हारा क्या ख्याल है, उसने तस्वीर क्यों छुपाई? कह तो रही थी कि उसने मजाक किया, और क्या वजह हो सकती? और तुमने यकीन कर लिया? मैंने यकीन ही नहीं कर लिया बल्कि असलियत भी है। नहीं बिरजीस नहीं, मैं तुम पर तोहमत नहीं लगाती, लेकिन तुमने अपनी लड़कियों को कैदी बनाकर रखा है। मुश्तरी मोहब्बत की भूखी है, कहने को तो तुम कुछ भी कह लो, लेकिन फजल कुरैशी से उसकी शादी तुमने रुकवाई। क्यों? जिस रोज उसके घर वाले मुश्तरी के लिए रिश्ता लेकर आने वाले थे तुमने उन्हें मना करवा दिया, ऐसा क्यों किया तुमने? ये तो मैं 1000 दफा करूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं कुरैशियों का खून हमारे खून से नहीं मिल सकता। सब बाप कमजोर था। और अब तुम देख रही हो
उस अकड़ का नतीजा। हाँ, मुझ में अकड़ है क्योंकि खुदा ने मुझे इज्जत दी है, और तुम में नहीं है क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारा हसब नसब क्या। नहीं दिलजीत, नहीं, मुझे मत याद दिलाओ। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, सर छुपाने की इस जगह के लिए तुम्हारी एहसानमंद हूँ। लगती तो नहीं हो एहसानमंद। यहाँ कोई संगीन वाकया हो रहा है। बकवास है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश है कि कुछ हो, और अगर किसी दिन कुछ हो भी गुजरा तो इत्मीनान रखो, बात इस चार दीवारी से बाहर नहीं जाने पाएगी। इतने यकीन से मत कहो, इस गांव में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उड़ती चिड़िया के पर गिनते हैं। कितनी तमन्ना है तुमको कि तुम मुझे और मेरी बेटियों को कोठे पर बैठा हुआ देखो। मुकद्दर का इल्म किसी को नहीं। मुझे इल्म है अपने और अपनी बेटियों के मुकद्दर का। हाँ, एक औरत ऐसी जरूर थी जिसका ठिकाना कोठे पर था। बिरजीस, बिरजीस। लेकिन अब तो वो बेचारी गुजर चुकी है। मेरी माँ के नाम का लिहाज करो। फिर तुम भी अपने मनहूस ख्यालात की बौछार से मुझे बेचैन करने की कोशिश बंद कर दो। बेहतर यही होगा कि मैं इन किस्सों से अलग रहूं। बिल्कुल, अपना काम करो और अपनी जबान बंद रखो। हर नौकर का यही फर्ज होता है। लेकिन मेरा फर्ज ये भी है कि मैं इस घर को तबाही से बचाऊं। अथर और फहमीदा की जोड़ी बिल्कुल गलत है। क्या कहने की कोशिश कर रही? दीवाना तो अथर अदीला का है। फिर शुरू कर दी तुमने वही हरकत, मुझे घेरना, मेरा सुकून लूटना, हौलनाक ख्यालात जगाना मेरे दिल में। मगर मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी, और अगर किसी दिन वो हो गुजरा जो तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। धमकियों से किसी और को डराना। शुक्र है मेरी बेटियों ने हमेशा मेरी इज्जत की और कभी मेरा हुक्म नहीं डाला। लेकिन जिस रोज वो रस्सी तोड़कर भाग निकली तो खुली छत पर पहुंचकर ही दम लेंगी, और मैं उन्हें पत्थर मार मार कर नीचे उतार लाऊंगी। हाँ जरूर बेजी, जरूर, तुम तो हमेशा की बहादुर हो। मैं मुकाबले से पीछे कभी नहीं हटी। मेरा बड़ा लड़का बता रहा था कि कल सुबह सवेरे 4 बजे जब वो बैलों को लेकर गुजर रहा था तो अथर हमारे घर की मुंडेर पर चढ़ा बैठा था। ये झूठ है। वो तो यही कह रहा था। ये सरासर झूठ है। मैंने भी इन दोनों की आवाजें सुनी थी 4 बजे। तुमने उसे अपनी आंखों से देखा था? मैं ताक झांक नहीं करती। आजकल तुम दोनों पिछली तरफ वाली खिड़कियों पर नहीं मिला करते हो? मैं सारी रात अपने कमरे में रही हूँ, हसन बांदी गवाह है। क्या हो रहा है यहाँ? अगर तुमने अपनी आंखें ना खोली तो और भी बहुत कुछ हो जाएगा। इतनी बात तो पक्की है कि अथर किसी ना किसी से बातें जरूर कर रहा था, और वो भी सुबह के 4 बजे। तुम सही कह रही हो। सही और गलत का फैसला करना तो बड़ा मुश्किल काम है। अम्मी इसकी मत सुनिए, ये हमें तबाह कर देगी। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। यानी कोई बात है जरूर? ना कोई बात है और ना हो सकती है। मुझे भी कुछ जानने का हक है। तुम्हें किसी चीज का हक नहीं सिवाय हुक्म की तामील करने के, और तुम हमारे मामलात में दखल देना बंद करो। गली के सिरे पे लोगों का हजूम लग गया है, लोग अपने अपने घरों से निकलकर दरवाजों पर खड़े हो गए हैं। दौड़ के जा, देख क्या क्या हो रहा। तुम सब कहां चल गई? खिड़कियां खोले बैठी रहोगी?
शोक के दिनों में शर्म नहीं आती। चलो जाओ सहन में जाओ। एहसान मानो, मैंने जुबान नहीं खोली। तो फिर मैं भी खामोश नहीं रहती। तुम कह क्या लेती, मैंने किया तो कुछ भी नहीं, चाहे दिल में जो कुछ भी हो। मैंने वही किया जो मेरे दिल ने चाहा। जो तुम कर रही हो ना, वो ज्यादा दिन चल नहीं सकता। मैं उसको हासिल करके रहूंगी और मैं खींच लूंगी तुझे उसके बाजुओं से। छोड़ दो मुझे, खुदा के वास्ते छोड़ दो। वो हम में से किसी को हासिल नहीं हो सकता। वो मुझे अपने पास रखना चाहता है, अपने घर की रानी बनाकर। देखा था मैंने कैसे उसने तुझे अपने बाजुओं में जकड़ा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी लेकिन खींचती गई उसकी तरफ। मैं तेरी लाश देख लूंगी लेकिन ये होने नहीं दूंगी। बेटी, वो कुंवारी छोकरी, उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। बच्चा? और कोई नहीं जानता कि उसका बाप कौन है। और अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए उसने उसे मार डाला और पत्थरों के नीचे छुपा दिया। लेकिन खुदा के कहर से कौन बच सकता है? उसकी कुदरत देखो कि कुत्ते उस बच्चे की लाश को खोद कर निकाल लाए और उसी के दरवाजे पर छोड़ के चले गए। अब लोगों का हुजूम जो है उमड़ता चला आ रहा है, वो उसे मार डालना चाहते हैं, वो उसे सड़कों पर घसीट रहे हैं। आने दो उन्हें, उनसे कहो कि अपनी खुरपियां और कुदाले लेकर आए और उसे टुकड़े टुकड़े कर डाले। नहीं, मत मारो उसे, मत मारो। उसकी सजा मौत है। नहीं। अब हम भी बाहर चलते हैं। तुम नहीं जाओगे उसके पीछे? रहने दो उसे, जाने दो। अदा करने दो उसको अपने गुनाहों की कीमत। नहीं नहीं, कोई नहीं बच सकता। पेश कर इसके कि कोई उसको बचाने के लिए आए। मार डालो उसे, बहकते अंगारे रख दो उसके बदन पर, उसकी पेशानी पर, उसके होठों पर, खत्म कर दो उसको। मार डालो उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। मार डालो, खत्म कर दो। अच्छा, मैं तो रुखसत होती हूँ, बहुत देर बैठ ली। अरे जरा ठहरो अजमत, तुमसे मुलाकात ही कहाँ होती है? मगरिब की अजान हो गई क्या? नहीं, अब भी नहीं। अच्छा, और बैठी जाती हूँ। तुम्हारे मियाँ का क्या हाल है? कैसा चल रहा है उनका काम? अरे क्या चल रहा है, बस वैसे ही चल रहा है। वो भी कभी दिखाई नहीं देते। तुम तो जानती हो किस मिजाज के आदमी है। जब से जायदाद के पीछे भाइयों से अनबन हुई है, हजरत ने सामने के फाटक से अंदर की आमद और रफ्ते बंद कर दिए। एक सीढ़ी ले आए हैं, पीछे की दीवार चढ़ के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बारे मत। और तुम्हारी बेटी? हाँ ठीक है, मगर उन्होंने अभी तलक उसे माफ नहीं किया है। बिल्कुल सही किया। अब न जाने उन्होंने तुमसे क्या कहा है, मैं तो दुख के मारे मरी जा रही हूँ। बेटी फरमा बरदार ना रहे तो फिर वो बेटी नहीं दुश्मन हो जाती है। अब तुम जो कुछ भी कहो, मैंने तो इस मामले में दखल देना ही छोड़ दिया है। पीर न्याजी की दरगाह में पनाह मिल गई है, उसी को गनीमत जानती हूँ। मगर अब तो बीनाई भी जवाब देने लगी है। लगता है दरगाह का रास्ता भी अब छोड़ना ही पड़ जाएगा, ताकि गली गूचों के बच्चों के लिए तफरी का सामान तो न बन सकूं। या अल्लाह, ये कैसी आवाज है?
घोड़ा है, अस्तबल में बंधा हुआ है। अच्छा। कान की दीवार पे लाते मार रहा है, उसके मुंह पर रस्सी से बांध दो और उसे हाथ में ले जाओ। गर्मी चढ़ रही होगी। लगता है तुमने अपना रेवर खूब बढ़ा लिया है। रकम खर्च की है, मेहनत की है। हाँ, ये तो है। इस इलाके में हमारे घोड़े सबसे अच्छे हैं। अफसोस कि आजकल दाम इतने गिर गए हैं। समैया पकवाई है, कहो तो खिलवाऊं? नहीं नहीं, इस वक्त बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, फिर कभी सही। या अल्लाह, ये मेरा तो कलेजा दहला जा रहा है ये आवाज सुनकर। क्या मुझे 10 बार कहना पड़ेगा कि उसे बाहर ले जाओ, घास पर लौटने दो, वरना मकान की दीवार पर लाते मार मार के दीवार तोड़ देगा। पहले घोड़ियों को बाड़े में बांध दो, मगर इसको खुला छोड़ दो। क्या जिंदगी है भाई, कमाल है। तुम्हें तो मर्दों की तरह लड़ना पड़ता है। बिल्कुल। कहाँ जा रही हो तुम? पानी पीने। ठंडे पानी की सुराही ले आओ, बैठी रहो तुम। अरे हाँ, फहमीदा की शादी कब के करार पाई है? 3 दिन के अंदर अंदर वो लोग आ रहे हैं बात करने। फिर तो तुम बहुत खुश होगी। जाहिर है। ओफो, सारा नमक गिरा दिया। कितनी बदशगुनी है। मेरी बला से जैसी किस्मत है उससे बदतर और क्या होगी। नमक का बिखराना हमेशा बुरा शगुन होता है। अच्छा अच्छा, बस करो। उन लोगों ने अंगूठी पहना दी है क्या? ये रही। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, किस कदर खूबसूरत है। 3-3 मोती, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक हमारा जमाना था, हमारे जमाने में तो मोती के मतलब हुआ करते थे आंसू। जमाना बदल चुका है। हाँ। मेरे ख्याल में तो नहीं, चीजों के मायने तो वही रहते हैं। मंगनी की अंगूठी तो हीरे की होनी चाहिए। हाँ, मौजू तो हीरा ही होता है। हीरे या मोती से क्या होता है, असल चीज तो इंसान की नीयत होती है। हाँ, या मालिक की मर्जी। सुना है तुमने फहमीदा की शादी के लिए बड़ा बढ़िया और कीमती सामान बनवाया है। 26,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। ओहो, सबसे उम्दा चीज तो आईने वाली अलमारी है। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, फिर तो बड़ी खूबसूरत होगी। हमारे जमाने में संदूक हुआ करते। अरे अब अपना और हमारा जमाना छोड़ो, असल मकसद तो ये है कि दोनों खुश रहें। और इसी बात का तो कुछ कहा नहीं जा सकता यकीन के साथ। क्यों नहीं कहा जा सकता, इसमें शक की गुंजाइश क्या है। मगरिब की अजान हो रही है। अच्छा फिर मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, फिर आऊंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और हाँ, अभी तो मुझे फहमीदा की शादी के जोड़े भी देखने आने हैं। आपका जब जी चाहे आइएगा। अच्छा, जीती रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जीती रहो। हो चुका खाना, चलो अब उठो। जरा फाटक तक जा रही हूँ खुली हवा में, यहाँ बैठे बैठे कमर दुख गई। मैं भी चलती हूँ। और मैं भी। कोई मैं खो नहीं जाऊंगी। रात के वक्त अकेले नहीं रहना चाहिए। फहमीदा, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ कि तुम्हें मुश्तरी के साथ मिलाप कर लेना चाहिए। वो जो तस्वीर का किस्सा था वो सिर्फ मजाक था, तुम्हें जहन से निकाल देना चाहिए उसे। वो मुझे पसंद नहीं करती है, आप जानती हैं। देखो, तुम लोगों के दिलों में जो कुछ है वो तुम जानो।
मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि दुनिया हमें शरीफ और इज्जतदार खानदान की तरह मेल मिलाप से रहता हुआ देखे। समझ रही हो? जी हाँ। बस तो ठीक है, खत्म करो इस किस्से को। वैसे भी कुछ दिनों में तो तुम्हें चले ही जाना है। जितनी जल्दी यहाँ से जान छूटे उतना ही अच्छा है। मजलिस के रोज अथर की बहन तुमसे क्या बातें कर रही थी? वो कह रही थी अथर आजकल कुछ परेशान परेशान सा रहता है, खोया खोया सा। मुझे कुछ अजीब सी लगी उसकी बातें। परेशान क्यों रहता है? मर्दों को बहुत सी चीजों की फिक्र करनी होती है, तुम्हें उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद भी उससे कुछ मत पूछना, वो देखे तो देखना और बोले तो बोलना, अच्छी रहोगी। मगर अम्मी जान, मुझे ऐसा लगता है बात है जो मेरी निगाहों से पोशीदा है। जानने की कोशिश मत करना। कायदे से तो मुझे खुश होना चाहिए ना, मगर मैं हूं नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे डर लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी तबाही हम सबको अपनी लपेट में लेने वाली है। कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। खुदा करे ऐसा ही हो। कुत्सिया सो गई है। कितनी अंधेरी रात है। हाथ को हाथ नहीं सूझता ना। हाँ, जिसे कुछ छुपाना हो उसकी तो मौज है, और चोरों की भी। घोड़े को देखा था कैसे बाड़े के बीचों बीच खड़ा था, सफेद असीम शान, अंधेरे को चीरता हुआ। वाकई बड़ा खौफनाक मंजर था, जैसे अंधेरे में कोई जिन हो। आज तो आसमान के सितारे भी इतने बड़े बड़े लग रहे हैं जैसे मुट्ठी बराबर। ये बेचारी तो इतनी देर से ऊपर देख रही है कि इसके गर्दन में मोच आ गई होगी। क्या तुम्हें आसमान में खिलते हुए सितारे प्यारे नहीं लगते? ऊपर जो हो रहा है इससे हमें क्या मतलब। अरे, अपनी छत के नीचे इतना हो रहा है कि उससे फुर्सत नहीं मिलती। ओहो, पता नहीं तुम क्या चीज हो। जैसी वो है वैसी ही तुम हो। शब्बा खैर। सोने चल दी? हाँ। अम्मी, जब कोई सितारा टूटता है या बिजली चमकती है तो लोग ये क्यों कहते हैं, बड़ी भी इनायत छोटी भी हिमायत कीजिए हिदायत? बुजुर्ग लोग बहुत सी बातें जानते थे जो हम भूल गए। मैं तो अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ कि मुझे टूटता हुआ सितारा नजर ना आए। मैं अपनी आंखें कभी नहीं बंद करती। मैं तो देखना चाहती हूँ कि वो क्या चीज़ है जो खामोश है और मुद्दतों से खामोश है मगर अपने अंदर एक आग छुपाए हुए है। इन चीजों से हमें क्या मतलब। उनको ख्याल में ना लाना ही बेहतर है। कितनी हसीन रात है, जी चाहता है जागती रहूं, खेतों से आती हुई हवा में बैठी रहूं। चलो, सोने का वक्त हो गया, चलो जाओ। कुत्सिया सो गई है। कुत्सिया क्या है भाई, अब क्या चाहिए? बिस्तर में जाके सो। तो बा, यहाँ तो कोई चैन से सोने भी नहीं देता। तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, इस खामोशी का लुत्फ ले रही हूँ और बहुत हैरान भी हूँ, क्योंकि वो संगीन वाकया जिसकी तुम खबर लेकर आई थी उसका तो यहाँ नामो निशान भी नहीं। फिर जी, इस खुदा के वास्ते इस बात को यहीं रहने दो तो अच्छा है। इस घर में किसी किस्म की गड़बड़ नहीं हो सकती। मेरी निगाहें हर चीज और हर शख्स पर है। ऊपर से तो सब कुछ ठीक ठाक है, मानती हूँ। ऊपर से तो तुम्हारी लड़कियाँ ऐसी सीधी सादी नजर आती हैं जैसे अलमारी में सजी हुई गुड़ियाँ, लेकिन किसी के दिल के अंदर की हलचल ना तुम जान सकती हो ना कोई और। मेरी बेटियाँ पुरसुकून हैं। खैर, ये तो तुम जानो, तुम्हारी बेटियाँ जाने। मैं ठहरी खिदमतगार, मेरा काम है खिदमत करना, सो मैं कर रही हूँ। हाँ, अब तुम सुधर रही हो।
अपनी औकात के अंदर हूँ और क्या। तुम्हारा मसला ये है कि आजकल मोहल्ले को सुनाने के लिए तुम्हारे पास कोई कहानियां नहीं। तुम नहीं जानती मैं कितने राज अपने अंदर छुपा कर रखती हूँ। क्या भी तुम्हारे बेटों को अथर दिखाई देता है रात के 4 बजे? क्या अब भी वो इस घर की बदनामी करते फिर रहे? अरे वो बेचारे तो किसी से कुछ नहीं कहते। कहेंगे भी क्या, कहने को उनके पास है ही क्या। रजीस मैं इस मसले पर चुप हूं इस डर से कि खुदा जाने तुम क्या कर बैठो, लेकिन अपने आप को इतना महफूज भी ना समझो। बिल्कुल महफूज हैं हम, मैं और मेरी बेटियां। कौन जानता है किस वक्त कहर बरपा हो जाए, कौन जानता है किस वक्त खून का एक रेला उठे और हमारे दिल की धड़कन बंद हो जाए। इस घर में कोई हादसा नहीं होगा, मैं चौकस हूं तुम्हारे अंदेशों से बाखबर। चलो फिर तो सब कुछ ठीक ही है। हाँ बिल्कुल। मैंने तमाम बर्तन धो डाले, कोई और काम है बेगम साहिबा? नहीं कोई काम नहीं है, अब मैं आराम करूं। तुम्हें किस वक्त जगा दूं? किसी वक्त भी नहीं, आज रात मैं गहरी नींद सोना चाहता हूं। जब समुंदर की लहरों के सामने बस ना चले तो बेहतर यही होता है कि उसकी तरफ पीठ कर लो और अनजान बन जाओ। दिमाग कैसा है इस औरत का, खुद अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए है। मैं क्या कह सकती हूँ, मैंने तो बहुत कोशिश की बलाओं को टालने की, लेकिन अब मुझे खुद ही डर लगने लगा है। तुम महसूस नहीं करती इस खामोशी को? इस घर के हर कमरे में एक तूफान छुपा बैठा है और जिस वक्त वो उठेगा हम सबको बहा ले जाएगा। खैर मैं जो कह सकती थी कह चुकी। विजी समझती है कि उनके आगे कोई ताकत ठहर नहीं सकती, लेकिन जवान लड़कियों के लिए मर्द की कशिश ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो इसे नहीं समझती। वैसे सारा कसूर अथर का नहीं है, ये सही है कि वो काफी दिनों से अदीला के पीछे चक्कर काट रहा था और अदीला भी उस पर फिदा थी, मगर अदीला को चाहिए था कि अपनी हद के अंदर रहती ना कि और उस पर डोरे डालती। मर्द तो आखिर मर्द ही होता है ना। लोग तो कहते हैं कि उसे अदीला को फांसने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। हाँ ये तो है, लोग तो और भी बहुत कुछ कहते हैं। खुदा जाने इस घर पे कौन सी आफत आने वाली है। काश मैं यहाँ से दूर जा सकती, समुंदर के पार, फसाद से भरे इस घर से दूर। इर्जीत शादी की तैयारियां तो कर रही हैं जल्दी जल्दी, देखो शायद बला टल जाए। नहीं अब मामला हद से आगे बढ़ चुका है, अदीला तुली हुई है चाहे जो हो जाए, और दूसरी सब जो है उसे देख देख कर जल रही है। मुश्तरी भी? अरे वो तो सबसे ज्यादा जहर की पुड़िया है, उसे मालूम है कि अथर उसका नहीं हो सकता, उसका बस चले तो सारी दुनिया को गर्क करके रख दे। कैसी बदजात है सब की सब। नहीं वो औरतें हैं जिन्हें मर्द नहीं मयसर, और कोई बात नहीं, और ऐसे मामलों में खून को खून नहीं पूछता। ये क्या हो रहा है? कुत्ते भौंक रहे हैं, जरूर कोई पिछले दरवाजे के सामने से गुजरा होगा।
तुम क्या कर रही हो यहाँ? पानी पीने आई हूँ। मैं तो समझी तुम सो चुकी होगी। प्यास लगी और मैं जाग पड़ी। तुम दोनों आराम नहीं करोगी? बस अब चलते हैं। चलो चलते हैं। हाँ अब चल के जरा कमर सीधी कर ले। बिरजीत दिन भर दम नहीं लेने देती। लालटेन ले लो। कुत्ते बावले हो रहे हैं, सोने नहीं देंगे। नानी जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे लिए दरवाजा खोलोगी ना तुम? कौन हो तुम? तुम यहाँ कैसे आई? मैं भाग निकली। तुम हो कौन? चलो आओ। मुश्तरी हो, अब मैंने पहचाना। मुश्तरी, कैसा शहीदों जैसा चेहरा है। चलो आओ। तुम्हें बच्चा कब होने वाला है? मेरे तो ये हुआ। ये बकरी का बच्चा? मुझे मालूम है कि ये बकरी का बच्चा है, मगर क्या मेरे बच्चा नहीं हो सकता? कुछ ना होने से तो यही होना बेहतर है। बिरजीत बुढ़िया मनहूस चीते की खाला, कोतसिया लक्कड़ बग्गे की आला। मैं जो कह रही हूँ सच है। हर चीज अंधेरे में है। मेरे बाल सफेद हैं, इसलिए तुम समझती हो कि मैं बच्चे नहीं जन सकती? मैं जन सकती हूँ बच्चे, बच्चों पे बच्चे, बच्चों पे बच्चे, सफेद बालों वाले बच्चे। एक बच्चा होगा जिसके बाल सफेद होंगे, और फिर एक और फिर एक और, सबके सफेद बाल होंगे मेरी तरह। और हम बर्फ से लदे दरख्तों की मानिंद एक के ऊपर एक पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाएंगे। और जब हम सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाएंगे तो हमारे सफेद सफेद सिर आपस में मिलकर बादल बन जाएंगे, और फिर हम बरसेंगे। क्या वजह है कि यहाँ बादल नहीं है? यहाँ तो सिर्फ कब्रें हैं और सिसकियों की आवाज है। आहिस्ता, आहिस्ता, चुप करो, चुप चुप।
रोशन के यहाँ बच्चा होगा मैं उसके यहाँ लड्डू ले जाऊंगी, जब मेरे यहाँ बच्चा होगा वो लड्डू ले आएगी, बस इसी तरह चलता रहेगा हमेशा हमेशा। तुम्हारे तो बाल भी सफेद हो जाएंगे लेकिन पड़ोसियों का आना जाना नहीं होगा। अब मुझे जाना चाहिए। हाँ चलो। मगर डरती हूँ कहीं कुत्ते ना काट खाएं। सुनो तुम मुझे खेत तक छोड़ा होगा। हाँ, ना चलो चलो। मुझे खेत पसंद नहीं है, मकान पसंद है, मगर खुले मकान जिनमें पड़ोसन अपने नन्हे मुन्हे बच्चों को लिए बिस्तरों में गरमा रही हूँ और मर्द बाहर तख्त पर बैठे धूप सेक रहे हूँ। आओ चलो चल के सोए। अथर बहुत तगड़ा है, तुम सब उसकी आशना हो, मगर वो तुम सबको चबा जाएगा, इसलिए कि तुम्हारी हैसियत चने के दानों की सी है। नहीं चने के दानों की सी नहीं, मेंढकियों की सी, जिनकी सुबाने नहीं होती। आओ चलो चल के सोए। आओ 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 इस तरफ इस तरफ। चलती हूँ चलती हूँ, मगर तुम मेरे लिए दरवाजा खोलोगी ना? हाँ 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 जरूर। अदीला 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 अदीला, आखिर मेरी तलाश क्यों हो रही है? उसके करीब मत जाओ। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? ये हरकतें शरीफों की नहीं है। दिल तो कहता होगा कि मैं भी होती उसी के पास। अच्छा तो सुन लो, ये किस्सा अब और नहीं चल सकता। ये सिर्फ पहला कदम है, मेरे पास आगे बढ़ने का हौसला है, ताकत है और अच्छी सूरत है जो तुम्हारे पास नहीं। मौत देखी मैंने दीवारों में, मगर अब मैंने बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। वो बेजमीर आदमी किसी और के लिए आया था, तुम झपट के खड़ी हो गई उसके सामने। वो आया था पैसे के वास्ते, मगर उसकी निगाहें हमेशा से मुझ पर थी। उसकी शादी फहमीदा से होगी, तुम उसे हासिल नहीं कर सकती, मैं ये होने नहीं दूंगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो उसे नहीं चाहता। जानती हूँ। तुम जानती हो क्योंकि तुमने देखा है, तुमने अपनी आंखों से देखा है कि मुझे कैसे चाहता है। देखा है कि नहीं? हाँ देखा है देखा है। वो मुझे चाहता है, मुझे मुझे चाहता है वो। चाहो तो मेरे सीने में खंजर उतार दो, मगर ये अल्फाज मत दोहराओ। अच्छा इसीलिए तुम मुझे उसके साथ देखना गवारा नहीं करती हो? किसी और औरत को वो हजार बार अपनी बाहों में ले ले तुम्हें कोई परवाह नहीं, फहमीदा के साथ वो 100 बरस रह ले तुम्हें कोई एतराज नहीं, मुझे नहीं है, लेकिन मुझसे वो इश्क करता है, इसीलिए मुझे उसकी बाहों में देखकर तुम्हारे तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि तुम भी उसे प्यार करती हो, तुम चाहती हो उसे। हाँ चाहती हूँ, मैं सर उठा के कह रही हूँ कि मैं उसे चाहती हूँ। दर्द का एक लावा उबल रहा है मेरे सीने में, क्योंकि मैं उसे चाहती हूँ। मुश्तरी मुश्तरी मेरा कोई कसूर नहीं। मत डालो अपनी बाहें मेरे गले में, आज से तुम्हारा खून मेरे खून से अलग है। अच्छा चलो ठीक है फिर, अब तो कोई चारा भी नहीं, जो होना है हो जाएगा। अथर मेरा है, वो मुझे ले जाएगा दरिया के किनारे बाहों में। नहीं, जिस दिन से मैंने उसके होंठों को छुआ है ये मनहूस मकान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं उसकी बंद कर रहूंगी, सारा गांव ही मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, सारे बड़े बूढ़े पारसा इनके पत्थरों से मेरा जिस्म छलनी क्यों ना हो जाए, मैं फिर भी सर उठाकर चलूंगी कि मैं उसकी हूँ। खामोश हो जाओ खामोश हो जाओ। मैं नहीं होती खामोश। कहाँ जा रही हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं हटती। चलो तो मुझे वहाँ। अम्मी, तुम कौन हो तो मुझे रोकने वाली? हट जाओ। अम्मी, हट जाओ।
ये शोर। अम्मी इसको देखिए, रात भी सुकून से नहीं सोने दोगी तुम मुझे। इसको देखिए, उसके साथ उसके कपड़ों पे घास लगी हुई है। ये सब तू? अम्मी इसको औरतों वाली? अब इस घर में जंजीरों की झनकार नहीं सुनाई देगी। ये लो, देख लो अपनी छड़ी का असर। आगे मत बढ़ना। अब मुझे किसी का हुक्म कबूल नहीं सिवाय अथर के। अदीला, जाओ जाके हातिम उससे कह दो कि मैं सिर्फ उसकी हूं। अब मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। कहाँ जा रही है तू? हाँ जा, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। हाँ जाओ, कम बात कर लिया, मैं तुझे नहीं जाने दूँगी। जाओ और जाकर अब उसे ढूंढो। अथर का किस्सा खत्म। नहीं, नहीं खुदा, नहीं, 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 नहीं। तुमने उसे मार डाला? नहीं, वो घोड़े पर भाग निकला। गलती मेरी थी, औरत के हाथ निशाना नहीं बांध पाए। मगर आप तो कह रही थी कि सिर्फ उसको सुनाने के लिए। बेहतर यही था। लानत है तुम पर। अदीला, 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 अदीला दरवाजा खोलो, अदीला दरवाजा खोलो। मत सोचो कि तुम दीवारों के पीछे अपनी बेशर्मी छुपा लोगे। तमाम पड़ोसी जाग गए हैं। अदीला दरवाजा खोलो, अदीला, अदीला दरवाजा खोलो, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। अदीला दरवाजा खोलो, अदीला तोड़ दो दरवाजा। ना दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं, मत जाओ अंदर। का इंतजाम करो। मेरी बेटी कमारी मर गई,
उसे साथ के कमरे में ले जाओ और इस तरह तैयार करो जैसे दुल्हनें तैयार की जाती है। कान खोल कर सुन लो, इस वाक्य के मुतालिक कोई एक लफ्ज ना बोले। ऐलान करा दो, बिरजीस कदर की बेटी कंवारी मर गई। जिसने अत्थर को पाया उसने हजारों खुशियां हासिल की। मैं किसी को रोते हुए ना देखूं, तन्हाई में रो लेना। हमें मौत की आंखों में आंखें डालना होगी। हम अजीम शान सोग मनाएंगे। बिरजीस कदर की नन्ही बेटी तो शीर की मर गई। सुना तो